हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम आपको और भी वीडियो प्रोवाइड करा सके। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का इलेक्शन बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलते हैं, और इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज इलेक्शन बूस्ट। तो हम लोग देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। हम आपको एक फॉर्मूला लिखाएंगे, उसको आप याद कर लीजिएगा, उसी के बेसिस से क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, देखिए, पहले नंबर ऑफ वैलिड वोट क्या होगा, इक्वल टू विनर के वोटों की संख्या प्लस लूजर के वोटों की संख्या। इसको याद रखिएगा। तो हिंदी में इसको क्या कह सकते हैं, वैध वोटों की संख्या। क्या कहेंगे, ये वैध वोटों की संख्या इक्वल टू क्या, जीतने वाले को मिले वोटों की संख्या प्लस हारने वाले को मिले वोटों की संख्या। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि नंबर ऑफ वैलिड वोट्स क्या होते हैं और वैध वोटों की संख्या क्या होती है, इसको याद कर लीजिएगा। तो वैध वोट क्या होता है, जीतने वालों को जो टोटल वोट मिलते हैं वो, और हारने वाले को जो वोट मिलते हैं वो, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। अब कहीं भी याद रखिएगा, कहीं भी टोटल वोट बोले जाएँ, टोटल वोटों की संख्या हमेशा क्या होगी, 100%, हमेशा वह 100% लिया जाएगा। ये और कुछ कहा जाए कि इतने लोगों ने वोट नहीं दिए, इतने लोगों के वोट इनवैलिड हो गए, तो उस हिसाब से ये होगा क्या, ये टोटल वोट होगा हमेशा 100% हमेशा टोटल वोटों की संख्या होगी, इस बात का याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं, छोटा से छोटा एंड लेंदी से लेंदी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा, एक गाँव के चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोट का 50% वोट प्राप्त किया और 20% वोट अवैध हो गए, इनवैलिड। 20% क्या हो गया, इनवैलिड हो गए। यदि कुल टोटल वोट कितने हैं, 4000, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था कि टोटल वोट हमेशा क्या होगी, 100%। मान लीजिए टोटल वोट कितने हैं, 100%, कितने हैं, 100%। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, कुल वैध वोट का 50% वोट प्राप्त किया और 20% वोट अवैध हो गए। देखिए 100% टोटल वोट हैं, तो अवैध कितने हो गए, 20% क्या हो गए, अवैध मतलब इनवैलिड। क्या है ये, इनवैलिड। ठीक है, यदि 20% इनवैलिड हो जाएंगे तो वैलिड कितने हो गए, 80% वैलिड। ये क्या हो गया, वैलिड वोटों की संख्या। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा, और इसमें क्या कहा गया है, कुल अवैध वोट का, वैध वोट का 50% वोट प्राप्त किया, तो ये हमारे वैध वोट हैं, कितने, 80% माने वैध है। ठीक है, तो उसका भी क्या, 50% वोट प्राप्त किया, इसका 50% निकाल सकते हैं हम लोग, 80% का 50%। देखिए 80% का 50%, 50% परसेंटेज को हटा दिया, 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये दो बार जाएगा, दो और दो से इसको काटेंगे, तो ये हो जाएगा 40%। क्या हो गया, 40%, 50% वोट प्राप्त किया, क्यों, कितना किया, 40%। कुल वोट कितने हैं, देखो वोट प्राप्त किया और 20% अवैध हो गए, तो कुल वोट 4000,
तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, ये हमें बताना है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले हैं। तो 80% से माइनस 40% कर देंगे हम, ये क्योंकि एक को कितना मिला था 40%, 50% मिला था 80 का, क्योंकि वैलिड वोट का मिला था, यहाँ क्या कहा गया वैध वोट का, तो निकाल लिया हमने 80 माइनस 40 कर दिया, तो हमारा क्या हो गया 40, क्या 40% निकल के आ गया। तो उसमें क्या कहा गया उसका ये क्या है, कुल वोट 4000 है, कितने हैं 4000। यदि 40% इक्वल टू, देखिए क्या कहा गया 4000 है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले ये हमें बताना है। तो ये एक को 40% मिला तो दूसरे को क्या मिलेगा, उसको भी 40% मिला है, क्योंकि 80% ही तो वैलिड है, तो 80 माइनस 40 किया हमने तो क्या मिला 40%। तो हम ये क्या निकालेंगे 4000 का 40% निकाल लेंगे, 4000 का 40%, देखिए 4000 40 100 नीचे आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, 4 से 2 होगा, 4 को 16 हो जाएगा, तो इतना। तो उसमें क्या कहा गया दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला इतना, याद रखिएगा, समझ में आ गया ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ठीक है, दो उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 40%, कितना 40% वोट प्राप्त किया, और वह इतने वोटों से हार गया। हारने वाले को कितना मिला है, उम्मीदवार ने 40% वोट प्राप्त किए और 5500 वोटों से हार गया। कुल वोटों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, क्या करनी है, कुल वोटों की संख्या, मैंने आपको बताया था हमेशा 100% वोट, तो ये 100% हो गया। एक उम्मीदवार को कितने मिले हैं, हारने वाले को 40%, कितना 40%, ये कौन है हमारा हारने वाला, तो जीतने वाले को क्या मिलेगा 100 माइनस 40 कर देंगे तो 60 बचेगा, ये हमारे जीतने वाले को मिला है, ठीक है। तो क्या कहा गया है, और वह इतने वोटों से हार जाता है, ये 40% वाला हार रहा है तो कितने वोटों से हार रहा है ये इसमें बताया गया है। तो मान लीजिए इसको 60 मिला, इसको 40 मिला है, तो अंतर कितना है 60% माइनस 40% इक्वल टू 20%, कितने से हार रहा है 20%, यही तो है, इसको 60% मिला, इसको 40% मिला, तो इसको कितना 20% कम मिला है, तभी तो ये हार गया है और ये 20% वोटों से जीत गया है, ठीक है। तो हम ये इतने वोटों हारा है तो 20% इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5500, तो 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, 20 से भाग दे दीजिए, 100 का इंटू कर दीजिएगा, तो ये 20 इससे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू हमारा निकल के आ जाएगा 27500, ये टोटल वोटों की संख्या निकल के आ गई, ठीक है, याद रखिएगा, समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 70% लोगों ने अपना वोट दिया, 70% लोगों ने वोट दे दिया है, इनमें से 5% अवैध हो गए, मतलब इनवैलिड हो गए। एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले हैं इतने, ठीक है, जो कुल वोट का 70% था, कुल वोट का कितना ही 70%, उस चुनाव में कुल कितने वोट हैं, मतलब कितने वोटर हैं, मतलब कितने लोग हैं जिन्होंने वोट डाला है, ये हमें बताना है। तो मैंने आपको बताया था हमेशा 100% टोटल लेके चलते हैं, तो देखिए 100% हमारे टोटल वोट हो गए, ठीक है 100%। तो इसमें क्या कहा, 70% लोगों ने अपना वोट दिया है, ठीक है 70% ने वोट दिया है, कितने लोगों ने 70% ने वोट दिया है, ठीक है दिया है, और इन्होंने तो 70% ने दिया है, तो 30% ने नहीं दिया है, ठीक 30% लोगों ने वोट नहीं दिया है, ठीक है। और फिर उसमें भी 70% ने वोट दिया है, इनमें से इनमें भी 5% अवैध हो गए हैं, ये 70% जो वोट दिए थे इसमें से भी 5% अवैध हो गए, कितने हो गए अवैध हो गए, ये कितना है हमारे ये अवैध है, अवैध मतलब इनवैलिड है, और ये 95% ये वैलिड वोट है, ठीक है ये वैलिड है। तो हमको
बताना है एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले जो कुल वैध वोट का 70% है। कुल वैध, क्या वैध मतलब वैलिड, तो वैलिड हमारे कितने हैं 95%, कितने हैं 95%, 95% हमारे वैलिड वोट। तो इसमें क्या कहा, इतने जो ये वोट हैं कुल वैध वोट का 70% है, कितने कुल वैध वोट, वैध हमारे कितने हैं, वैलिड वोट हमारे 95% है, तो इसका 70%, 70% कित इसके इक्वल टू है 9220 के इक्वल टू है। ठीक है, तो हम इससे 100% निकाल सकते, कुल वोटर ही तो हम निकालना है, तो 100% निकाल सकते क्योंकि इतने का वैध वोट का ये 70% है। ठीक है, तो हम 100% कैसे निकालेंगे, देखिए ये 70% इसके हम परसेंट हटा सकते हैं, तो हम पहले 1% इक्वल टू निकाल लेंगे। ठीक है, 9220 दोनों का परसेंटेज हटाएंगे, एक का हटाते तभी तो 1% निकल के आएगा, ये हम 1% निकाल लें, इसके हम लोग 100% निकाल लेंगे। ठीक है, टू तो इसका यहाँ इसके नीचे 100, तो यहाँ 100 चला जाएगा और ये 70 नीचे आ जाएगा, 95 नीचे आ जाएगा। अब हम इसका 100% निकाल लेंगे, 1% यदि इतना हो गया तो 100% कितना होगा, देखिए 10 से ये काट दीजिएगा, 9220 इंटू 10 इंटू 100% निकालेंगे तो 100 का इंटू कर दिया हमने एंड 7 इंटू 95। तो इसको आप कैलकुलेट करिए, या फिर हम अभी पीछे बताते हैं, यहाँ जगह नहीं दिख रही है, एक मिनट अभी दिखाते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा इसका इंटू देखिए यहाँ देख लीजिए, दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ देख लीजिएगा, एक मिनट देखिए, 9221234 इतनी जीरो, 3 4 0 लगा दीजिएगा और नीचे इसका इंटू करेंगे तो हमारा 665 निकल के आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, नेक्स्ट पेज में भी जगह है कि नहीं, तो हमारा यहाँ देख लीजिए, तो इसका इंटू करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 13864.661, ये हमारा आंसर निकल गया। ये आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझ में आ रहा है ना, मुझे तो लग रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम्स हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो नीचे कमेंट में कर दीजिएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करा दूँगी। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक गांव के चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 6% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वोट के 48% लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1000 वोट से हरा दिया। कुल वोटों की संख्या ज्ञात करनी है हमें, क्या करनी, कुल वोटों की संख्या मतलब टोटल वोट हमें ज्ञात करने हैं, तो 100% वोट हो गए। ठीक, जो क्वेश्चन जो जो कहता जाए आप बस वैसी वैसी सेम टू सेम चलते जाइए, अपनी तरफ से कुछ मत जोड़िएगा, जो जो क्वेश्चन बोले वैसे स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहिए, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या कहा, 6% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला है। ठीक है, तो हम लोग वैसे करते जाएंगे, देखिए 6% ने वोट नहीं डाला है, तो कितने परसेंट लोगों ने वोट डाला है, तो यहाँ हम माइनस कर देंगे 100 माइनस 6, तो हमारा निकल के आ जाएगा 94% पर लोगों ने वोट डाला है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वोट, क्या कहा, कुल वोट, कुल वोट हमारे कितने 100%, क्या 100%, तो जीतने वाले को कितने वोट मिले, जीतने वाले को कितने मिले 48%, कुल वोट का 48%। यदि कभी कभार ये भी कह सकता है कि वैध वोट का मतलब वैध वोट तो इससे निकल के आता 94% से, तो 94% का मैं उतना परसेंट निकालना पड़ता तब हमारा यहाँ आता, इसने क्या कहा कुल टोटल वोट बोल दिया है, इसलिए ये 48% यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो जीतने वाले को कितने मिले 48%,
और इतने परसेंट लोगों ने वोट डाला है, ठीक है, और कुल वोट 48, और दूसरे जो मतलब दूसरा उम्मीदवार है वो 1,000 वोट से मतलब हरा दिया है, ठीक है, उसने 1,000 वोट से हरा दिया, तो कुल वोटों की संख्या हमें निकालनी है, ठीक है। तो देखिए हारने वाले को कितने वोट मिलेंगे, देखो हारने वाले को कितने वोट मिलेंगे, तो एक को तो 40% मिल गया है, 40% मिल गया है, तो 94% माइनस 48% इसको तो हमारा हो जाएगा 46%, क्या निकल जाएगा 46% निकल के आ जाएगा। तो जीतने वाले को 48% मिला और हारने वाले को 46% मिला है, तो 1,000 वोट से हारा है, हारने वाला 1,000 वोट से हारा है, तो कितने इसको 46 मिला है, इसको 48 मिला है, तो इसको कितना परसेंट कम मिला है, 2% ही तो कम मिला है, तो हम जीतने वाले से हारने वाले का माइनस कर देंगे, जीतने वाले से हारने वाले का माइनस कर देंगे, तो क्या निकल गया है 2%, 2%, तो ये कितने परसेंट से हारा, 2% से हारा, इस 2% को हम 1,000 वोट के बराबर कर देंगे, क्या कर देंगे 1,000 वोट के बराबर कर देंगे, तो हमें क्या निकालना है टोटल, टोटल वोटों की संख्या निकालनी है, तो कुल वोट कितने हो जाएंगे, कुल वोटों की संख्या, तो हम कुल वोटों की संख्या निकाल सकते हैं 100%, तो इस टू नीचे हो जाएगा इंटू 100, तो इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये 50 बार कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा निकल के आ जाएगा 50,000, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। मैं 100 मैंने आपको देखो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको ये फॉर्मूला लिखा दिया था, देखिए मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में ही देखिए फॉर्मूला लिखा दिया था, नंबर ऑफ टोटल देखिए वैलिड वोट विनर लूजर, ठीक है, यदि आपको टोटल वोटों की संख्या क्या होगी, देखिए टोटल जो हारने वाले को मिलेगा प्लस जो जीतने वाले को मिलेगा, दोनों को जोड़ देंगे, वो हमारा 100% है, मैंने मतलब वोट हमारा 100% रहेगा, तो मतलब जो जीतने वाले को मिलेगा हारने वाले को मिलेगा वो हमारे वैलिड वोट होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपको विनर का निकालना है, तो वैलिड वोटों में से लूजर का माइनस कर देंगे, लूजर का माइनस कर देंगे, तो हमारा विनर का निकल के आ जाएगा, और यदि लूजर का निकालना है तो वैलिड वोट से हम विनर का माइनस कर देंगे, तो हमारा लूजर का निकल के आ जाएगा। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, इस फॉर्मूले को मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा दिया है, जिससे कोई ये ना कहे मुझे इंग्लिश नहीं आती मुझे हिंदी नहीं आती है, तो आप इस फॉर्मूलों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट आज परसेंटेज का लास्ट है, ठीक है, परसेंटेज आज ख़त्म हो गया है, कल से हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और उसको भी बेसिक से लेके चलेंगे, एक एक पॉइंट को एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, यदि अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको अभी हमारे नए नए वीडियो प्राप्त होते रहे मतलब प्रोवाइड होते रहें, तो और आपको प्रॉब्लम्स ना हो क्योंकि आपको वीडियो मिस ना हो, क्योंकि मैं डेली आपको वीडियो देती रहती हूँ, आपको और भी वीडियो लाती रहूँगी, और आप कल से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।